हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं टाइप्स ऑफ पतंग के कन्ने कैसे बांधते हैं वो बताऊंगा अपने वीडियो के अंदर, कि कन्ने यानी कि तंग कन्ने किस प्रकार, हाउ टू टाई नॉट्स इन डिफरेंट स्टाइल्स, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल लोग किस तरह से कन्ने बांधते हैं, और जो अपने अनप्रोफेशनल लोग यानी जो छतों पे से उड़ाने के लिए लोग किस तरह से तंग बांधते हैं, तो उन्हीं के कुछ टाइप्स मैं बताता हूँ लाइव, आपको एग्जांपल देखे कि भाई तंग किस तरीके से बांधे जाते हैं। तो ये सद्दा है मेरे पास, सद्दे का गुच्छा है, इसको गुच्छा बोलते हैं। जो हमारा वेस्ट हो जाता है उसको गुच्छा है, तो ये गुच्छा मैं इसलिए संभाल के रखता हूँ ताकि इससे तंग बांध सकूँ। तो ये है, एक अपनी कैंची की जरूरत पड़ेगी और अपना ये पेचकस। मैं छेद इसी से करता हूँ, मैंने पहले बता रखा है तो मैं इसी से छेद करता हूँ। ये कैंची है तो मैं जल्दी से ये बताता हूँ। तो ये मैं अभी पहला तरीका वो बता रहा हूँ जो मैं बांधता हूँ जब मैं छतों पे से पेच लड़ाता हूँ, मुझे जो पसंद है। तो मैं यहाँ से सद्दा ले लेता हूँ, लगभग इतना इस साइज का। ये डबल डबल कर लिया मैंने इनको, क्योंकि तो मैं डबल लड़े बांध के दिखाऊंगा आपको। लगभग इस साइज का ये मैंने यहाँ से काट लिया। अब मैं ध्यान से देखना, ये मेरा तरीका है जो मैं बांधता हूँ, जिस तरीके से मैं उड़ाता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कोई वो नहीं है यूनिक कि भाई आप इसी पे हो रहा हो, लेकिन मैं मेरा ये तरीका बता रहा हूँ। ये छतों पे से उड़ाने के लिए अच्छा है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इतनी लंबी डोर ली है, ठीक है। अब ये आगे जहाँ पे अपने ये सिरे हैं दोनों, तो मैं इसको ये अभी डबल थे, मैं इसको चार गुना कर रहा हूँ, यानी इसको 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कर दूंगा। तो ये मैंने ये लेके यहाँ से इसको यूं कर दिया। अब ये 4 लड़े हो गए, 1 2 3 4, 4 लड़े हो गए। मैं फिर से बताना रहा हूँ मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके ये 4 4 लड़े कर लिए इसको। अब ये 4 लड़े हो गए, तो इससे क्या होता है, स्ट्रोंगनेस आती है कन्नों में, ये जल्दी मंजोली से खुलते नहीं हो। और पतंग के जो तंग है वो मैं पतंग ले रहा हूँ मंजोली, घुटी हुई मंजोली। कैमरामैन को क्या मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये घुटी हुई है कि नहीं, पीछे से दिखाता हूँ, सॉरी। हाँ, अब दिख रही है घुटी भी, ठीक है। तो मैं इसके छेद पहले से ही कर लिए थे, छेद के लिए मैंने इसको बोला था आपको पेचकस का यूज करें। ये रहा अपना पेचकस, इससे छेद करें मैंने। अगर परफेक्शन चाहिए तो अगरबत्ती जला के भी छेद कर सकते हो, सबसे अगर नंबर पे वही आएगा। सेकंड नंबर पे आपकी कोई भी जो आपकी राउंड छेद करे वो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चॉपस्टिक्स भी ले सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, कोई तिल्ली या सीख, माचिस की सीख, किसी से भी। अब मैं ये छेद कर लिए मैंने, ठीक है। अब मैं आपको ये मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर, ऐसे क्रॉस कर, ये क्रॉस करके ये पीछे से लिया और थोड़ा इसको मैं बारीक कर लेता हूँ, ये छेद में आसानी से चला गया। अब ये चला गया, अब इसके अंदर ये आ गया, आ गया। अब ये मैं पहली गांठ जो बांधूंगा तेज बांधूंगा, ये तेज पहली जो गांठ होती है हमेशा टाइट बांधनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट गांठ पे ही सारा जोर रहता है, तो इसको टाइट एकदम टाइट बांधो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को वापस, ये देखना ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही करता हूँ। ये मैंने लिया, अभी वापस इसको मैं छेद में डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया, ये वापस वापस डाल दिया, ये मैंने पीछे से निकाल लिया और इसके वापस आगे से निकाल लूंगा, ये निकाल लिया। अब इससे क्या होगा कि तंग कभी जिंदगी में नहीं खुल सकते, ये इससे डबल स्ट्रांगनेस आ गई। ध्यान से देखना, मैंने मैंने क्या करा, वो पहला गांठ बांधी थी, अब मैंने वापस उसको पीछे से लेके वापस उसको टर्न अराउंड करके वापस से क्रॉस कर दिया। अब मैं वापस से गांठ बांध रहा हूँ आगे की तरफ, ये देख लो, ये मैंने गांठ बांध ली। कम से कम आगे 3 गांठ होनी चाहिए मिनिमम है ये, तो बाकी आपकी श्रद्धा है आप कितना बांधो कितना नहीं बांधो। तो बिल्कुल टाइट हो गया ये, तो मैं इसको 3 गांठ लगा दे रहा हूँ ताकि ये कहीं पे जाए नहीं। तो अब ये इतने स्ट्रांग हो गए कि ना ये खुलेंगे ना ये टूटेंगे। इसी तरह से मैं पीछे करूँगा ये, इसको भी मैं पीछे भी, लोग क्या करते हैं पीछे भी ऐसे डबल लड़े बांध लेते हैं, लेकिन मैं पीछे भी इसको 4 लड़े कर लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसके 4 लड़े कर लिए और ये मैंने यहाँ पे ऐसे गांठ बांध दी ताकि मैं इसको डाल सकूँ अंदर। ये देखो, ये पीछे वाले ये लिया,
और छेद मैंने बताया था कैसे करने हैं। छेद कम से कम इस तरह यहाँ होने चाहिए, बिल्कुल नीचे भी नहीं बिल्कुल ऊपर भी नहीं, कम से कम बीच में लगा जैसे आपको सही लगे। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल आपको यहीं बांधना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ बांध रहे हो तब, ये गलत है, ये यहाँ बांध रहे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप तंग बांध दो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये मैंने ले लिया और ये गांठ बांध दी टाइट, पहली गांठ फुल टाइट, मेरे मुंह को देख रहा है। तो अब मैं वापस वही करूँगा, इसको वापस मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर जो मैंने उसमें करा था, ताकि ये कहीं नहीं जाए। इसको वापस मैं इसी छेद में से ले रहा हूँ और पीछे से निकाल रहा हूँ, ताकि ये टूटे ना और बिल्कुल स्ट्रांगनेस आ जाए इसमें, ये गुंजाइश नहीं होगी, कहीं नहीं जा सकता ये। वापस से मैं तीन गांठ बांध दूंगा, एक दो और ये तीन। अब अपने हिसाब से बैलेंस करके, ये तो आपको सबको पता ही है, जैसे भी आप ये मैं ऐसे यहाँ पे ये देखो, ये एक टेक्निक होती है, ये वो टेक्निक है जो लोग जल्दी से बताते नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो आप ऐसे करो, ऐसे करो, यूँ करो इसको और इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और यहाँ पे ये देखो कि दो साइड बराबर है क्या, इस दिख रहा है कैमरामैन को, ये ऐसे करके ये देखो ये बराबर है कि नहीं। ये जहाँ बराबर हो जाए वहाँ आप इसको ऐसे पकड़ के, ये यहाँ पे बराबर आ रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा झुकाव आगे की तरफ रखो, क्योंकि पतंग भारी हो जाएगी ना ऐसे, ऐसे तोड़ेगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा झुकाव हल्का सा आगे की तरफ रहना चाहिए। तो मैं ये बराबर करके थोड़ा सा झुकाव आगे की तरफ करके ये यहाँ गिठान बांध देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पतंग उड़ने के लिए रेडी है। तो ये हमारा पहला हो गया, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, वो हमेशा सिंगल लड़ाई बांधते हैं, वो कभी भी डबल लड़ाई नहीं बांधते, क्योंकि वो प्रिफर यही करते हैं सिंगल लड़ाई। मैं इसमें से सलता निकालने की कोशिश करता हूँ, ये पूरी उलझ गई है, एक ऐसी से लेके एक लड़ा ये मैंने काट लिया। अब वो क्या करते हैं, इसको यहाँ से डबल कर लेते हैं, ये डबल करा और ये गांठ बांध लेते हैं यहाँ से, ये गांठ लग गई। ये पतंग वापिस से मंजूर ले रहा हूँ, छेद मैंने पहले से कर चुके हैं, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो इसमें तंग बांधता हूँ। अब ये क्या करा, ये लिया, ये करा, ये कर लिया। अब यहाँ पे वही पहली गांठ हमेशा तेज टाइट एकदम। अब यही वापस पीछे जाएगा, ये मैंने जैसे उसमें बताया था, इसको वापस से इसी में से निकालो, ये निकाल लिया, ताकि पतंग के तंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। टाइट तीन गांठ को बांधनी बांधनी है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे पीछे मैं डबल कर लूंगा, इसको डबल कर ट्रिपल भी कर सकते हो, देखो ऐसे ट्रिपल, इसको चोर चार लड्डे भी कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन मैं डबल करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने डबल कर लिए और ये गांठ बांध ली मैंने यहाँ पे, ये लो ये पीछे बांध ली यहाँ पे, टाइट पहली गांठ टाइट बांध के वापस से पीछे से लेके जा रहा हूं, इसमें वही प्रोसेस रिपीट करूंगा। वही मैं तीन गांठ लगाऊंगा, एक दो और ये तीन, और हमेशा सद्दे से ही बांधना है तंग, चाहे कुछ ही हो जाए, मंजे से कभी तंग नहीं बांधना। अब वही वो पहले जैसा है, इसको बराबर करके देख लो और थोड़े से आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए, और ये मैंने ये बांध दिया, ये दूसरे तरीके का तंग बन के तैयार है, ठीक है। अब थर्ड तरीका जो बता रहा हूँ,
ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो उड़ाते हैं और उनके जो टंग खुल के हो जाते हैं वो मैं बताता हूँ, वो कौन से टंग बांधते हैं कि इस तरीके से टंग नहीं बांधे। उनके टंग इसलिए खुलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं टंग बांधने के अंदर। ये वो लेते हैं सद्दा, अब वो ऐसे करते, ये लिया, छोटी पतंग दे दे कोई मेरे को। अब ये उन्होंने इसको ये डबल लड़े करा, बस ऐसे करा उन्होंने, बस दो छेद करे। अब मैं छोटी पतंग ले रहा हूँ इसके लिए क्योंकि तो मेरा ये फोर्टे है नहीं ऐसे तंग मारना, तो मैं बस इसलिए इस छोटी पतंग में बांध के बता रहा हूँ ताकि मैं इसको वापस निकाल पाऊँ। ये पहले इन्होंने ऐसा करा और ये ऐसे डाल दिए। अब वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये डबल लड़े करके बांधते हैं, बल्कि ये चीज़ गलत है, इससे क्या टंग खुल जाते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या करो, हमेशा यहाँ को चार लड़े करो, आप चार लड़े करो आगे की तरफ और हमेशा चार लड़े ही बांधो, वरना दो लड़े बांधोगे तो खुल जाएंगे। और वो क्या करता है, बस यहीं से तीन गांठ लगाई, एक दो तीन करके, और पीछे भी ऐसे ही तीन गांठ लगाई, उनके टंग खुल जाते हैं। तो ये गलत तरीका है, तो इसलिए आप इसको हमेशा, ये जो मैंने तरीका बताया, एक तो ये प्रोफेशनल तरीका है, ये ऐसे ही बांधते हैं हमेशा, वो सिंगल धागे से बांधते हैं और उसको आगे से डबल कर लेते हैं, पीछे से भी डबल कर लेते हैं। और ये जो छतों पे से उड़ाने के लिए ये तरीका था जो मैंने बताया, फोर साइडेड, चार धागे चौबल, नीचे भी चौबल, डबल की जगह चौबल, ठीक है। तो चौबल लेने आगे, चौबल लेने पीछे। और अगर आपको पीछे लग रहा है कि आप पीछे चौबल लेना चाह रहे हो तो आप पीछे वो भी ले सकते हो डबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ वो तरीके थे जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मैं जिनको प्रेफर करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसी तरीके से तंग बांधे जो मैंने ये दो पतंगों में तंग बांध के दिखाए, ये देखो। तो ठीक है, हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे पतंग से रिलेटेड।